नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से टैरो कार्ड विद कृष्णा में। आइए चलते हैं हम अपनी जूडियाक साइन की छठवीं राशि यानी वर्गो की। जिन लोगों का जन्म अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में है, वे कन्या राशि देख सकते हैं। तो आइए कन्या राशि यानी वर्गो शुरू करते हैं आपके लिए कार्ड रीडिंग। सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है टेम्परेंस, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स, तीसरा है सेवन ऑफ द सोर्ड्स, चौथा कार्ड आया है द शैरियट और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है द मून। हम एक अपवर्ड ले लेते हैं। अपवर्ड में आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, डाउनवर्ड में आया है द जस्टिस। वर्गो, आप पिछले काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को साबित करने की। उसे छोड़ दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आप अपने आप को बेवजह साबित करने की कोशिश ना करें। बजाय उसके आप ये सीखें कि जब आपको फैसला करना होता है तब आप दिल की बजाय दिमाग से सोचते हैं, और जब आप दिमाग से सोचते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आपको पता है चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, लेकिन आप अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी खूबी को यूज़ करते हैं और उस गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं। अंदर से आप जानते हैं कि आपने गलत कर दिया, लेकिन बाहर से आप दिखने देते हैं कि आपने सब कुछ सही कर दिया और संभाल लिया। ये अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आपको सीखना होगा कि आप अपनी पर्सनल सोच का सामाजिक के साथ में कैसे तालमेल बनाएंगे। जब भी कोई सामाजिक मामला होता है आप उसे पर्सनली लेके चले जाते हो, उस चीज़ को रोकिए। चलिए सेक्शन वाइज देखते हैं। करियर एंड बिजनेस, सबसे पहले करियर। करियर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस अक्टूबर में। आपके करियर से रिलेटेड आपकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सकती है, जो आपको लगेगा कि रोक दी गई है। आपको असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे या आपके पीछे थोड़ी सी बिचिंग सी होगी, लोग आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे। जो भी होता है होने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मंथ के एंड होते होते ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हालांकि अपने करियर से जुड़े मामलों को लेकर के आप अंत में मंथ के नाराज और हताश हो सकते हैं। उस हताशा को मत आने दीजिए, उसे रेसिस्ट करिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब चलते हैं बिजनेस की ओर। बिजनेसमैन, इस महीने आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई नए प्रोजेक्ट पर काम ना करें। जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें चलने दें। हालांकि उस प्रोजेक्ट में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें क्या आपने गलतियां पहले करी थी जिन्हें इस महीने सुधारा जा सकता है, वो सुधार आपको करना चाहिए। प्रोजेक्ट पर नया इन्वेस्टमेंट करने से मैं मना कर रहा हूँ, किसी नई ब्रांच को, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से भी मना कर रहा हूँ। मंथ को बीतने दीजिए बिजनेस वालों इस महीने। अब फिनांस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस महीने थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। हालांकि मंथ के एंड में यानी कि लास्ट वीक में आप चाहें तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए मामलों में स्टॉक मार्केट को छोड़ करके। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी किसी दिन बताऊंगा जब इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूं। और वर्गो, आपको किसी को उधार नहीं देना है इस महीने। थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा परखिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे क्रेडिट लेना चाहता है तो आपको उसे क्रेडिट देना है या नहीं देना, इस पर थोड़ा विचार करिए, विमर्श करिए, उसके बाद उसे उधार या क्रेडिट जो देना है दीजिए। लेकिन जो विचार या विमर्श आप करेंगे वो अकेले करिए, अपने साथ, किसी और को उसमें इन्वॉल्व नहीं करिए। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशन के लिए ये महीना बढ़िया रहेगा, लेकिन तब जब आप एजुकेशन में अपनी स्टडीज़ को अकेले करोगे, किसी के साथ नहीं, कोई ग्रुप स्टडी नहीं करिए, अकेले बैठकर स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी जब आप करते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ आपको आ रहा है, सब आपकी नॉलेज में आ रहा है, सब आपको याद हो रहा है, लेकिन जब आप अकेले बैठते हो, लिखने चलते हो, तो आप भूल जाते हो। दूसरों को पढ़ाने और अपने आप को साबित करने के चक्कर में आप अपनी स्टडी का भी नुकसान करते हो, तो वो मत करो, अकेले पढ़ाई करो। जो लोग स्टडी या एजुकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। ओवरऑल इस महीने आपको कोई भी नए डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। अगर डिसीज़न लेने का मामला आता है तो आधारभूत तरीके से वो डिसीज़न लीजिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, आपका ही नहीं।
अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है जिसमें आपका बेनिफिट है दूसरों का नहीं, तो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन हेल्थ की ओर। देखिए, इस महीने आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती हैं जो मौसम का इफ़ेक्ट हो या मौसम की वजह से हो, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो हेल्थ को लेकर के आप सेटिस्फाइड रह सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है कि मंथ खत्म होते होते आप थोड़ा सा निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप जब फैसले लें तो ये सोचें कि इससे किसका फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका फ़ायदा होता है तो डिसीजन ले लें, लेकिन अगर केवल आपका फ़ायदा फ़ायदा है और आपका फ़ायदा होने में दूसरे का नुकसान है, तो उस डिसीजन को पोस्टपोन करें। किसी को लॉस देकर के डिसीजन मत लें, इसको याद रखिएगा। तो वर्गो, अब मैं आपके लिए एक सजेशन निकालता हूँ, देखता हूँ कार्ड्स मेरे आपको क्या सजेस्ट करते हैं इस महीने। 10 of the Pentacles आपके लिए आया हुआ है। अपने धन को आपको सुरक्षित रखना है इस महीने, उसे फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करिए, दूसरों को उधार मत दीजिए, थोड़ा सा बैंक में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप FD वगैरह करने की पिछले काफ़ी समय से सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है उसे करने का, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर आपके लिए सूटेबल रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। इस महीने फैमिली के ऊपर थोड़ा खर्च करिए, ये आपके नेचर के थोड़ा सा विपरीत है कि अगर आपको नहीं लगता तो आप ये नहीं करते हैं, आपको लगता है तो आप करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर फैमिली कहती है कुछ और आप उस पर विचार करें और आपको लगता है कि ये ठीक है तो आपको करना चाहिए, भले ही वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं हो। तो वर्गो, ये था आपका अक्टूबर 2018 का मंथली राशिफल। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले महीने में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।